नमस्ते दोस्तों, रहस्यमयी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको छिपकली के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। घर में रहने वाली छिपकली भी बताती है कैसा होगा भविष्य। ज्योतिष के अनुसार दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिनसे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि भविष्य में कैसा समय होगा। जैसे छिपकली के शरीर पर गिरने से शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में जाना जा सकता है। ज्योतिष के अनुसार छिपकली का पुरुषों के बाह्य अंगों पर, महिलाओं के दाहिने अंगों पर गिरना अशुभ माना जाता है और पुरुषों के दाएं अंगों व स्त्रियों के बाएं अंगों पर गिरना शुभ होता है। जब छिपकली शरीर के किसी अंग पर गिरे तो उस स्थान को पानी से धो ले या नहा ले, क्योंकि उसके शरीर में जहरीला पदार्थ होता है। जब वह किसी पर गिरती है तो अपने शरीर का जहर आपकी त्वचा पर छोड़ देती है। माथे पर छिपकली गिरने से धन मिलने की संभावना बढ़ती है। बालों पर छिपकली का गिरना मौत आने का संकेत है। दाएं कान पर छिपकली के गिरने से गहनों की प्राप्ति होती है और बाएं कान पर गिर जाए तो आयु में वृद्धि। छिपकली का नाक पर गिरना भाग्योदय का सूचक होता है और मुख पर गिरने से स्वादिष्ट खाने की प्राप्ति होती है। यदि छिपकली बाएं गाल में गिरे तो पुराने मित्र से भेंट होती है और दाएं गाल में गिरे तो आयु में बढ़ोतरी होती है। गर्दन पर छिपकली गिरे तो प्रसिद्धि मिलती है। दाएं आंख पर छिपकली का गिरना मित्र भेंट और बाएं आंख पर गिरने से शीघ्र बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है। पीठ के मध्य छिपकली के गिरने से घर में विरोध होता है। पीठ के दाएं और छिपकली का गिरना सुख की प्राप्ति और बाएं और गिरना बीमारी के आगमन का सूचक है। छिपकली दाएं कंधे पर गिरे तो जीत हासिल होती है और बाएं और गिरने से नए दुश्मन बनते हैं। बाजू के दाएं और छिपकली का गिरना लक्ष्मी प्राप्ति और बाएं और गिरने से धन की छिन जाने की चिंता बढ़ जाती है। छिपकली का सीने के दाहिने भाग पर गिरना खुशियों के आगमन और बाएं भाग पर गिरना घर में ज्यादा कलह होने का सूचक है। यदि छिपकली पेट पर गिरे तो गहनों की प्राप्ति होती है। कमर के मध्य छिपकली के गिरने से धन लाभ होता है और नाभि पर गिरे तो इच्छाएं पूरी होती है। छिपकली के दाएं जांघे पर गिरने से सुख मिलता है और बाएं जांघे पर गिरने से शारीरिक कष्ट होता है। दाएं घुटने पर छिपकली के गिरने से यात्रा का मौका मिलता है। यदि बाएं घुटने पर गिरे तो बुद्धि हानि होती है। दाहिने पैर पर छिपकली गिरना यात्रा लाभ और बाएं पैर पर गिरने से घर में कलह, दुख और बीमारी का आगमन होता है। धन्यवाद दोस्तों।